जानकार है एपिसोड नंबर 11 के शुरुआत में हमें दिखाता है रिया का डैड जीरो को कहीं पर लेके जा रहे होते हैं। तभी जीरो कहता है, तुम मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो? क्या तुम्हें छत के ऊपर से नीचे धकेलने के लिए लेके जा रहे हो या तो मुझे मारने के लिए कहीं पर लेके जा रहे हो? तभी डैचुरसा मां उसको मना करते हैं। इस बात को सुनते ही चीरो थोड़ा सा तसल्ली पाता है, लेकिन तभी रिया के डैड कहते हैं, चलो देखते हैं हम तुम्हारे साथ किस तरह मजे कर सकते हैं। और तभी इस बात को सुन के चीरो थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो आसमान पर एक चीज़ को नोटिस करता है, छत के ऊपर रिया के साथ रिया के डैड का फोटो लगा हुआ था। और तभी चीरो कहता है, यहाँ पर हथियार है, बोले तुम मुझे मारने के लिए आए हो? और तभी रिया के डैड कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो हथियार चूज कर लो। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वहीं पर ही रिया के डैड कहते हैं, चलो देखते हैं रिया को कौन अपने हाथ रख सकता है। ये बात को सुनते ही चीरो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाता है रिया आखिरकार अपने घर में चली आती है और कहती है, डैड आप कहाँ पर है? तभी दौड़ मेड कहती है, तो आपका स्वागत है रिया सान। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिया कहती है, सो मेरे डैड कहाँ पर हैं? और तभी वो दोनों मेड कहते हैं, आपकी डैड बहुत बिजी है तो आप लोग हमारे साथ मजे कीजिए। इतना कहते ही वो रिया को दो जालों से पकड़ लेते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ये वो रिया को एक जगह पर लेके चले आते हैं। और रिया कहती है, मैं कहाँ पर हूँ? वो दोनों मेड कहते हैं, असल में आपकी डैड ने कहा था कि आप जब यहाँ पर आओ तो आपको रोक के रखेंगे, इसीलिए हम लोग आपको यहाँ पर रोक के रखे हैं। और तभी रिया कहती, तो ऐसी बात है, तो मैं भी तुम्हारे मालकिन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ मुझे यहाँ से निकालो। और तभी वो दोनों कहते, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी वो दोनों कहते, चलो देखते हैं तुमको किस तरह से सजावट किया जा सकता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो दोनों रियासान को एक मेड का ड्रेस पहना के खड़ा कर देते हैं। और तभी वो दोनों कहते हैं, रियासान कितना क्यूट लग रही है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिया कहती है, तुम दोनों मुझे यहाँ पर बांध के खेल रहे हो मेरे साथ, ऐसा मैं नहीं करने दूंगी। और हमें अगले सीन में दिखाया था, इस बात को सुन के वो दोनों मेड कहते हैं, कितना क्यूट है रियासान। और अगले सीन में जो रिया के डैड होते हैं वो एक फिक्सिंग एक टाइप का शॉर्ट कॉम्पिटिशन हमारे चीर के साथ कर रहे होते हैं। और तभी रिया के डैड कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें इस शॉर्ट फाइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी चीरो कहते हैं, हाँ आपने सही कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था वो दोनों लड़कियाँ हमारे रियासान को एक बनी ड्रेस पहनाए होते हैं। और रिया कहती है, तुम दोनों में यहाँ पर मुझे बांध के क्यों रखे हो? और तभी रिया कहती है, तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और उस टाइम पे हमारी जो रिया होती है वो अपने हथकड़ी को जॉम्बी पावर की मैं से तोड़ देती है। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं चीरो का सीन, यहाँ पर वो बोल रहा होते, देखो ये वो आदमी है जो शॉर्ट फाइटिंग के लिए मुझे चैलेंज कर रहा है, लेकिन मुझे तो शॉर्ट फाइटिंग आता ही नहीं है, और चलो हम लोग 1v1 फाइट करते हैं। इस बात को सुनते ही रिया के डैड कहते हैं, ये क्या बकवास है, मैं जंगली की तरह नहीं लड़ता। और तभी चीरो कहता है, तुम मुझे जंगली कह रहे हो, असल में तुम जंगली हो जिसने अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखा और उसके अंदर अपनी माँ की परछाई ढूंढी, और तुमने उसके बर्थडे पर उसको बिना कपड़ों के हर टाइम फोटो खींचते थे, और तो तुम मुझे जंगली कह रहे हो, क्या बकवास है। और हमें अगले सीन में दिखाते हुए रियासान होती है वो भागते हुए चीरो के पास आ रही होती है। और तभी रिया के डैड कहने लगते हैं, तो चीरो तुमको ये बात किसने कहा है? तो भाई चीरो कहते, असल में ये बात मुझे तुम्हारी दूसरी बीवी मतलब आरिस ने कहा है। सो तुमने दूसरी बीवी को छोड़ के अपनी बेटी को ज़्यादा ध्यान दिया और उसको प्यार किया, तो मैं इस प्यार को कहना नाम दूँ, एक बाप और बेटी का प्यार या और कुछ? और तभी इस बात को सुन के जो रिया के डैड होते हैं वो जो गुस्से में चले आते हैं और चीरो के ऊपर वार करते हैं। इस चीज़ को हमारे रियासान नोटिस कर लेती है। और तभी जो रिया के डैड होते हैं वो कहने लगते हैं, सो चीरो तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? और तभी चीरो बहुत ही मुश्किल से अपने सिर को हिलाते हुए उसके सिर के ऊपर एक बार करता है। और तभी रिया के डैड कहते हैं, आह बहुत दुखता है। और तभी चीरो कहते हैं, अब हुआ ना हिसाब बराबर। और तभी हमें दिखाए थे वहीं पर ही चीरो नोटिस करता है उसके सामने रियासान है। और रिया कहती है, चीरो गुण क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी चीरो कहता है, रिया तुमने जो अभी कपड़े पहने हैं वो बहुत क्यूट है। और तभी वो कहने लगता है, सो तुमको ये कपड़े कहाँ से मिले? और तभी हमारे रिया के डैड कहने लगते हैं, ये कैसे मुमकिन है, मैंने तुमको अभी मारा है, तुम अभी जिंदा कैसे हो? तभी इस बात को सुन के चीरो कहता है, मुझे भी नहीं पता, शायद से ये उस टाइम हुआ होगा जब रिया ने मेरे घाव को ठीक करने के लिए मेरे घाव के ऊपर चाटा था। और तभी वो कहने लगता है, शायद से जो रिया का जहर है वो मेरे अंदर जा चुका है।
लेकिन मेरा जो धड़कन है वो अभी तक चल रहा है और उसके साथ मुझे दर्द नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मैं एक आधा जॉम्बी बन चुका हूँ। सो मैं अब से एक आधा जॉम्बी हूँ और हमें अगले सीन में दिखाए तब बेरिया के डैड कहते तो ठीक है अब मैं तुम्हारे सर को ही धड़ से अलग कर लूँगा। लेकिन उस टाइम बेरिया अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके डैड को डॉस कर लेती है और वो कहती है डैड आप प्लीज़ रुक जाइए। और हमें दिखाए तो उसके डैड कहते हैं रेया तुम्हें क्या कर रही हो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम एक जॉम्बी हो और मैं तुम्हारे हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये जो चीरो है उसके पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो तुम्हें बचा पाए। इस बात को सुन के ही जो चीरो होता है थोड़ा सा मायूस लग रहा होता है, लेकिन उस टाइम पर रेया कहती है लेकिन कोई बात नहीं मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और मैं चीरो के साथ बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं चीरो के साथ हर टाइम रहूँ। इस बात को सुनते ही चीरो रिया के डैड के पास जाता है और कहता है डैड आप सुनिए असल में जो रिया है वो खास नहीं है, वो भी एक नॉर्मल लड़की है, उसको बस नॉर्मल लड़की की तरह जीना है और वो चीज़ आपने उसको कभी दी ही नहीं। इस बात को सुन के जो रिया के डैड होते हैं वो रोने लगते हैं और कहते हैं बस इतनी सी बात थी और मैंने रिया को अपने हाथों से ही मार डाला। और हमें अगले सीन में दिखाए थे वहीं पर ही रिया के डैड कहते हैं सो मुझे अभी क्या करना चाहिए, तभी चीरो कहता है असल में मैं रिया के साथ हर टाइम रहना चाहता हूँ। ये बात को सुनते जो रिया होती है वो भी थोड़ी सी खुश लग रही होती है और वह कहती है हाँ तुमने सही कहा। और तभी रिया के डैड खड़े होते हैं और कहते हैं सोचिए रुकुन मैं तुम्हें आज से अपनी बेटी को सौंपता हूँ लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा डॉक्टर ना ढूंढ लूँ। और हाँ असल में यदि मेरी बेटी का वर्जिनिटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ़ नहीं करूँगा। और वो इतना कहती वहाँ से जाने लगते हैं और हमें अगली सीन में दिखाए तो वहीं पर ही धीरो कहता है आखिरकार सब ठीक हो गया। और वो इतना कहते ही वो असल में जमीन के ऊपर गिर जाता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और तभी हमें दिखाया थे उस टाइम पे रिया कहती है चीरो क्या हुआ उठो, लेकिन चीरो नहीं उठता। और हमें अगली सीन में दिखाया थे एक फ्लाइट का सीन, वहीं पर एरोप्लेन के अंदर हमारे रिया के डैड कहीं पर जा रहे होते हैं, वो असल में अमेरिका जा रहे होते हैं जहाँ पर वो रिया के लिए अच्छे डॉक्टर और उसके साथ इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाए। और हमें अगली सीन में दिखाया थे चीरो उसमें चला आता है और तभी रिया कहते हैं चीरो तुम ठीक हो, और तभी चीरो को कहता है मुझे फिर से दर्द होने लगा। और तभी वहाँ पर मेड कहती है सो हमने आपके पेट के ऊपर पट्टी कर ली है। और तभी हमें दिखाए थे चीरो कहता है सो शुक्रिया। और हमें अगले सीन में दिखाए थे वहीं पर ही हमारे चीरो को कहता है सो रिया तुमने ऐसा कॉस्ट्यूम क्यों पहना है। और तभी रिया इस बात को लेकर थोड़ी सी शर्माने लगती है और हमें दिखाया था रिया कहते असल में इस कॉस्ट्यूम को मुझे इन दोनों मेड ने पहना है और वो कहा कि जब तुम उठोगे तो मैं बहुत ज़्यादा खास लगूँगी इसलिए मैं इसको पहना हूँ। और हमें दिखाया उस टाइम पे हमारे रिंकू चैन चली आती है और रिंकू कहती असल में चीरो तुम्हें क्या हुआ है, मुझे लगा कि तुम जख्मी हो ये कैसे हुआ। और तभी चीरो कहते हैं पहले तुम मेरे ऊपर से हटो। और तभी रिंकू कहती है और सॉरी मैं तो भूल गई थी तुम जख्मी हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर चीरो कहता है ये सब एक नॉर्मल सी बात है ये सब कुछ भी नहीं है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिया कहती है ये सब मेरी गलती है। और तभी चीरो कहता है असल में ये सब गलत बात है ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। और तभी रिंकू कहती है असल में तुम एक जॉम्बी हो और तुम्हारा नाम है रिया मैंने सही कहा ना, सो मेरा नाम है रिंकू और मैं तुमसे एक साल बड़ी हूँ और मैं चीरो की कज़न हूँ। और तभी इस बात को सुन के हमारी जो रिया होती है वो थोड़ी सी खुश हो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिंकू कहती है सो मैं चीरो की बड़ी बहन होने के साथ ही मैं उसकी मंगेतर हूँ। और तभी चीरो कहता है ये बिल्कुल गलत है वो बस मजाक कर रही है। और तभी रिंकू कहती तुमने तो मुझे बचपन में कहा था तुम मेरे मंगेतर हो मैंने सही कहा ना। और तभी हम बचपन का सीन दिखाया था जहाँ पर रिंकू चीरो से पूछने लगती है और तभी चीरो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे मंगेतर बनने के लिए तैयार हूँ। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर रिंकू कहती है हाँ छोड़ो वो सब एक मजाक था। और इसी तरह रिंकू चीरो को चिढ़ाने लगती है। और हमें अगली सीन में दिखाया था रियासन अपने मन में सोचती है शायद से जो रिंकू है वो चीरो को पसंद करती है और शायद से रिंकू रिया के लिए एक अच्छी राइवल हो सकती है। और उसके साथ ये आगे बस हमका रहा एपिसोड नंबर 11 का जो स्टोरी लाइन होता है वो यहीं पर एंड होता है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोग ऐसे ही न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन आपके लिए रोज लाते रहते हैं। सो गाइस चलिए आज की वीडियो इतना था तो हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।